मुझसे अभी कुछ समय पहले एक महात्मा ने कहा, बोले अब आप भी साधु हो जाओ। तो मैंने अपने आप को देखा, मैं कभी और कहां से हो जाऊं, नहीं और कहां से हो जाऊं। मैं कहा देखो महाराज, कपड़े तो मैं बढ़िया पहनूंगा, नाम हो ही चुका है हमारा, तो अब कदम पीछे हटाने से क्या फायदा। माने आप वो नाम मत समझना जिसके लिए ताली बजती है, मैं तो दूसरा नाम कह रहा हूं। मैंने नाम हो चुका है हमारा, प्रसिद्ध हो चुके, साधु लोग कहते बड़े महंगे कपड़े पहनते हैं। एक महात्मा वृंदावन में कह रहे थे, माइक में बोल रहे थे, मुझे सुनने को मिल गया, अरे बड़े महंगे कपड़े पहनते हैं। मैंने कहा महाराज महंगे नहीं पहनता, पहन लेता हूं तो महंगे लगते हैं। और फिर बोले बड़ी महंगी क्रीम लगाते हैं। तो मैंने कहा भाई फेयर एंड लवली हमें ठाकुर जी ने लगा कर भेजा था, अभी तक तो उसका प्रभाव है। और फिर एक और बात, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है बाप, क्यों ना हो। मैं जब बहुत छोटा था, जब श्री कृष्ण की तरफ मन गया, सुनकर ही जाता है, श्रवण पहली भक्ति है, यही मन को भगवान की ओर लेकर जाती है। सुना ही था मैंने, रस्ता मेरे सोने दा सोना जेड़ा इस्ते जावे, सोना चले सोना हसे सोना पीवे खावे। पहली बार जब मेरा मन श्री कृष्ण की ओर आकर्षित हुआ था, यही चार पंक्तियां सुनकर हुआ था। रस्ता मेरे सोने दा सोना जेड़ा इस्ते जावे, सोना चले सोना हसे सोना पीवे। अरे बहुत बड़ा कोई आदमी हो तो उसके घर के जो नौकर होते हैं ना, दे ऑल आर इन यूनिफॉर्म। स्टाफ की एक यूनिफॉर्म होती है कि नहीं होती? आपके शॉफर की एक यूनिफॉर्म है कि नहीं है? एक साधारण सा आदमी इतनी सुविधा दे देता है, एक साधारण सा आदमी इतनी सुविधा दे देता है, मैं तो किसके दरबार का नौकर हूं? मेरे पास अगर है तो क्या आश्चर्य है, क्या आश्चर्य। और मैंने कल भी कहा था, मुझे गर्व है इस बात का, मुझे गौरव है इस बात का, और गाता रहूंगा, जीवन भर गाऊंगा। मिलदा नसीबा लाल तेरे जया सोना, मैं तेरे जया सोना।